जनपद में रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जनपद में सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है और प्रशासन इस पर रोक लगाने में असफल नजर आ रहा है। आज बांदा के बेबरू थाना क्षेत्र में एक 112 की पीआरबी गाड़ी को ओवरलोड ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमे एक पीआरबी का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए बांदा जिला अस्पताल लाया गया था, जहाँ जवान की गंभीर हालत को देख कर उसे तत्काल प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया था, जहां उपचार के दौरान सिपाही की मौत हो गई। बता दें कि अभी हाल ही में बांदा में रोडवेज बस व ट्रक के भिड़ंत में लगभग एक दर्जन यात्रियों की घटना घटी थी। इस घटना के 24 घंटे बाद ही बांदा जनपद में ट्रक से सड़क हादसे की घटना सामने आई है। घटना बांदा जनपद के बेबरू थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां रोज की भांति डायल 112 की गाड़ी गश्त करने के लिए निकली हुई थी। वहीं शहर के बाहर जब पीआरबी की गाड़ी 0787 खड़ी थी, तभी अचानक पीछे से आ रहे बालू भरे ओवरलोड ट्रक 112 की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी के बाहर से निकलकर पीआरबी का जवान गश्त कर रहा था और वह ओवरलोड ट्रक आकर उसके ऊपर चढ़ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद पीआरबी के जवान को उपचार के लिए आनन फानन में बांदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बांदा के पुलिस अधीक्षक गणेश शाह ने बताया कि बेबरू के पास आज 112 डायल की गई गाड़ी पीआरबी नंबर 0787 में जवान गश्त करने के लिए निकले हुए थे, तभी ओवरलोड ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिसको सिपाही की मौत हो गई है। फिलहाल जनपद में पड़ रहे सड़क हादसों के पीछे क्या कारण है, इसकी जांच करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक लाल भारत कुमार पाल को नियुक्त किया गया है और जिस ट्रक के द्वारा इस दुर्घटना को अंजाम दिया गया था उसे हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जांच के बाद ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसी दौरान एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें जो हमारा ड्राइवर कांस्टेबल था वो गिर गया और उसके पैर के ऊपर उसके ट्रक के पहिए चढ़ गए। उसका इलाज सर्वप्रथम जिला हॉस्पिटल आके कराया गया और उसकी गंभीर दशा को देखते हुए तत्काल ही उसे प्रयागराज रेफर किया गया। वहां भी हमारी बातचीत हो गई है, वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से, और जितनी जो संभव इलाज हो सकता है इलाज कराया जा रहा है। ये संपूर्ण घटना में किस तरह ये घटना हुई थी और कैसे हम इस घटना से बच सकते हैं सर, किस तरह की दुर्घटना होते हैं, इसके लिए हमने एडिशनल एसपी बांदा को जांच सौंपी है और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमें विचार करने का। क्या ट्रक वाला गिरफ्तार हुआ है? सारी चीजें जांच के दायरे में है और जैसे ही आपके लिए अपडेट आएगा सभी बता दें।